आवास के नाम पर ठगी का आरोप। गुरुवार को जनपद कासगंज के नौरथा गांव के एक आवास लाभार्थी दिनेश चंद्र ने जिलाधिकारी आरपी सिंह को एक शिकायती पत्र देकर गांव के ही एक व्यक्ति पर आवास के नाम पर 25,000 रुपए जालसाजी कर लेने का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जाँच पड़ताल के आदेश अधीनस्थों को दिए हैं। भले ही देश प्रदेश की मोदी योगी सरकार जनता को तमाम योजनाएं संचालित कर रही हो, लेकिन यह योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचते दम तोड़ देती है। ऐसे ही एक मामले में गुरुवार को जिलाधिकारी आरपी सिंह को शिकायत कर वापस लौटे नौरथा गांव के दिनेश ने लगाया है। दिनेश के मुताबिक वह सोरों विकास खंड क्षेत्र के गांव नौरथा करने वाला है और वह बेहद गरीब व्यक्ति है और वह खुले आसमान के नीचे रहता है। सरकार ने उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना के तहत आवास स्वीकृत किया था, लेकिन उसका आवास पास होने की खबर गांव के निवासी अवधेश यादव को हो गई और अवधेश ने दिनेश को अधिकारियों से अच्छी घुसपैठ बताकर आवास आवंटित करने का आश्वासन दिया और 25,000 रुपए लेने की दोनों के बीच बात भी बन गई। बाद में आवंटन के पैसे आने पर अवधेश ने पहली किस्त में 10,000 रुपए ले लिए और दूसरी किस्त में 14,000 ले लिए। बाद में अधिकारियों को दाल पहुंचाने के लिए भी दाल ले गए। इस सब के बावजूद लाभार्थी का आवास अधूरा रह गया। जानकारी पर पीड़ित लाभार्थी रुपए वापस करने की मांग कर रहा है। क्या इस पीड़ित की शिकायत पर रकम वापस हो पाएगी या नहीं, यह आने वाला सवाल बताएगा। मैं कंप्लेंट करने आया हूँ सर कि मेरे पैसे 25,000 रुपये खा लिए अवधेश यादव ने नॉर्थ आगे ने और 10 किलो उर्दू ले लिए मुझसे। ये कहा था कि अधिकारी लेंगे, पैसे अधिकारियों के नाम से लिए थे मुझसे। किस बात के लिए लिए थे आपसे पैसे? मुझसे रिश्वत ली थी, मेरे आवास प्रधानमंत्री की योजना के द्वारा जो आवास आया था उसमें 10 किलो उर्दू ले लिए, 25,000 रुपये ले लिए। अब मैंने कहा था मैंने किसने लिए पैसे, तो पैसे की मैंने कर रहा है क्या, उससे क्या मतलब है? एक तो मोदी सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार तो लगता है कि भ्रष्टाचार मीटर भ्रष्टाचार का मीटर वही 25,000 रुपया ले लें, 10 किलो उद ले लें उसने। अब मेरा आवास भी रह गया है बनने के लिए, अब कहाँ से मैं क्या करूँगा? दो बच्चे हैं मेरे पास छोटे छोटे, एक लड़के। मैं डीएम साहब के पास मिलने आया हूँ सर।